हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइज, IEEE काउंसलिंग का मोपो राउंड का प्रोसेस जारी है। ऐसे में गाइज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। IEEE काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत देखिएगा। साथ ही मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सभी लेटेस्ट अपडेट छोटे छोटा बड़े से बड़ा अपडेट मैं आपको आयुष काउंसलिंग करने देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सर्च करेंगे @BeingDoctorOfficial, इस नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज क्या है अपडेट। तो पहला अपडेट है गाइज, जो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग की जो फैसिलिटी गाइज IEEE ने एक्सटेंड कर दिया उसको 30 मार्च तक। जिसको भी करेक्शन कराना है या रजिस्ट्रेशन अनलॉक करके कोई भी एडिटिंग करनी है तो आप 30 मार्च 12 PM तक कर सकेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि गाइज जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की जो डेट थी, लास्ट डेट आप सभी को बताया 28 मार्च थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है IEEE द्वारा। 30 मार्च तक आप ये रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करा सकेंगे और एक्सटेंड कर दिया गया डेट्स को। ऐसे में गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ सकते हैं कि सर क्या इसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 31 मार्च को जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देना था मोपो राउंड का, लेकिन अभी जो है इसको 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है IEEE ने। 28 मार्च लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, उसको एक्सटेंड करके 30 मार्च कर दिया गया। तो ऐसे में गाइज हमें हो सकता है 1 या 2 दिन का डिले देखने को मिले, हो सकता है ये 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल तक ये रिजल्ट हमारे देखने को मिले IEEE का काउंसलिंग का। जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हो सकता है गाइज कि IEEE कल देर शाम तक जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, तो जो भी कोई अपडेट आएगा क्या कट ऑफ रहा है सभी का डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं गाइज, एक लिस्ट जारी की है, इम्पोर्टेंट लिस्ट आप सभी के लिए IEEE ने जारी की अपनी वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर देख सकें रिवाइज लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट इन फॉर UT पब्लिक स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या है आपको बता देता हूँ। तो गाइज आप ये नोटिस भी पढ़ सकते हैं। तो IEEE ने इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स को शामिल किया है जो कि स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल क्यों है, क्योंकि इन कैंडिडेट्स ने IEEE काउंसलिंग के 1st या 2nd राउंड में कोई भी सीट उनको अलॉट हो गई थी और उन्हें ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब वो सीट वो वैकेट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उन सीट को, और फर्दर स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपने जो भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम आप चेक कर लीजिए, अगर आपका भी नाम है तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस लिस्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही वेबसाइट से भी आप देख सकेंगे। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, नोटिस द कैंडिडेट एडमिटेड इन द राउंड 1st and 2nd ऑफ IEEE काउंसलिंग एंड होल्डिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने कोई ऑल इंडिया कोटा सीट को अगर आपने ज्वाइन कर लिया था, आपको अलॉट हो गई थी और आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप वैकेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब और फर्दर जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हैं। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं नेम दे रखा है, ऑल इंडिया रैंक दे रखी है, आपके रोल नंबर दे रखा है। तो टोटल आपको बता दूँ 2251 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट में नाम है वो स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बस ये कुछ अपडेट थे गाइज, इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी अपडेट्स इंफॉर्मेशन आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग मैं आपको देता रहता हूँ। साथ ही वेटनरी MBBS वीडियो सभी काउंसलिंग के अपडेट एक चैनल है आप सभी के लिए बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, इस पर आपको सभी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, अदरवाइज सर्च करेंगे @BeingDoctorOfficial, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल गाइज ये अपडेट देना था, और सभी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।